दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो चलिए आज डिस्कस करेंगे यानी कि TE2 एग्जाम से रिलेटेड कुछ बात को रखते हुए आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ TE2 में किस प्रकार का क्वेश्चन इस बार ज़्यादा पूछने की संभावना है उस पर भी यानी कि कुछ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कंप्यूटर कैसे पढ़े, मैं बार बार ये बता रहा हूँ आप लोगों को, उस पर आप लोग यानी कि ध्यान दीजिए और पढ़िए क्योंकि कंप्यूटर TE2 के लिए बहुत मानने रखेगा। क्या क्योंकि दोस्तों यानी कि कंप्यूटर में अगर फेल है तो यानी कि टेक्निकल चेक नहीं होने वाला या नॉन टेक्निकल चेक नहीं होने वाला है, तो इसके लिए आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। और कंप्यूटर का लगभग यानी कि 15 चैप्टर से जो TE2 में क्वेश्चन आता है, मैं वादा करता हूँ उस सारे यानी कि 15 चैप्टर का एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो इसके लिए भी मैं कह रहा हूँ प्लीज जितना वीडियो यानी कि आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं पूरा इन तक वाच कीजिए और टाइम मिले तो अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि मैं कोशिश करूंगा यानी कि कंप्यूटर का जो 15 चैप्टर है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, लगभग यानी कि एक चैप्टर से जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो 60 और 65 के आसपास है, तो 1500 उसको गुना कर लीजिए, ठीक है, 15 × 6 = 90 यानी कि 9-1000 के आसपास यानी कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा उस वीडियो में। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो क्लास आप लोगों को यानी कि बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग TE2 का तैयारी कर रहे हैं तो अगर सिलेक्शन आपको इस बार लेना है तो इस वीडियो को फुल तक वाच जरूर कीजिएगा। यानी कि तैयारी कैसे करें, सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, देखिए उससे पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं जो अभी वर्तमान में यूपी अभिनल का एग्जाम चल रहा है उसमें जो क्वेश्चंस पूछा जाता है पावर सिस्टम मशीन से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहा है, सबसे ज्यादा यानी कि पावर सिस्टम से क्वेश्चंस आ रहा है और मशीन से उसके अपेक्षा कुछ कम क्वेश्चंस आ रहा है लेकिन उससे भी क्वेश्चंस आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है TE2 में कि यानी कि पावर यानी कि मशीन से ज्यादा क्वेश्चंस आ जाए और पावर सिस्टम से कम आ जाए, तो आप लोग मशीन और पावर सिस्टम को इतना अच्छा से पढ़ डालिए, इतना अच्छा यानी कि जितना उसका ऑब्जेक्टिव है जितना सब्जेक्टिव है सबको यानी कि पढ़ते हुए आगे बढ़िए। साथ ही साथ कोई भी एक चैप्टर भी आप लोग मत मिस कीजिएगा एग्जाम के रिव्यू से अगर देखा जाए तो, क्योंकि एक चैप्टर से अगर पांच भी क्वेश्चन आ जाएगा और आप वो नहीं जानते हैं तो बहुत मायने रखने वाला है। तो इसके लिए मैं ये बता रहा हूं कि वो चैप्टर को भी आप कवर करने का प्रयास कीजिए जो आपको यानी कि लगता है कि इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। कुछ ऐसा टॉपिक है जो इस बार TE2 में क्वेश्चन आएगा और आप लोगों को लगेगा कि यानी कि माइंड से ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। बहुत सारे टीचर क्या करते उसको पढ़ाते नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आप लोगों के बीच एक वीडियो के माध्यम से उस सारा क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में यानी कि कवर करने का प्रयास करेंगे। छोटा सा ही टॉपिक है और उससे क्वेश्चंस इस बार आने की संभावना 100% है। 4-5 टॉपिक है जो डायरेक्ट उससे क्वेश्चंस इस बार हमको लग रहा है कि पूछेगा, क्योंकि जैसे कि यानी कि अभी इससे यानी कि TE2 में जो यानी कि JEE होता है, JEE में जो क्वेश्चन यानी कि पुराना हो जाता है वो ITI के लिए यानी कि ITI के लेवल के लिए नया क्वेश्चन हो जाता है। तो JEE वाला तो आप लोग शायद ही यानी कि उसका सिलेबस देखे होंगे या उसका जो क्वेश्चन है यानी कि आप लोग यानी कि प्रैक्टिस किए होंगे। तो आप लोगों के बीच मैं बता दूं वो जो नया टॉपिक है आप लोगों के बीच वीडियो के माध्यम से जरूर आप लोगों के बीच जाएगा। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बता दूं कि इस बार यानी कि TE2 का जो एग्जाम जनवरी में होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो आप लोग बहुत सारे वीडियो देखते हैं डीमोटिवेट वाला कि एग्जाम नहीं होगा, उससे आप लोग मत परेशान होइए, क्योंकि मैं भी TE2 का सदस्य हूं, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि एग्जाम जो होगा वो जनवरी में होने जा रहा है और एडमिट कार्ड भी यानी कि जनवरी में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग जो डीमोटिवेट वाला वीडियो देखते हैं वो नहीं देखिए, क्योंकि अगर 10 मिनट का वीडियो देखते हैं 10 मिनट में अगर कंप्यूटर 50 क्वेश्चंस पढ़ते हैं 50 में से अगर 5 भी क्वेश्चंस आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है यानी कि हम यानी कि एग्जाम के लिए और मेरिट के लिए, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा यानी कि पिछले साल जो क्वेश्चंस पूछा गया था TE2 में वो पावर सिस्टम से था, ठीक है, पावर सिस्टम और मशीन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज बहुत कम था, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है उसका वेटेज पिछले साल कम था, लेकिन इस बार यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स को मत मिस कीजिएगा, इस बार हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन ज्यादा है। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारा प्रीवियस पेपर आप लोगों को यानी कि वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराया जाता है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा, लगभग 50-55 क्लास जो कि हो चुका है यानी कि टेक्निकल का, आप लोग जा करके फुल वाच कीजिए। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
और कंप्यूटर का भी प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, 20 के आसपास वीडियो भी अपलोड हो चुका है और कंप्यूटर का एक लगभग यानी कि 900 और 800 क्वेश्चंस का यानी कि एक ही वीडियो में कवर होने जा रहा है। तो इसके लिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्त, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं भी वादा करता हूं मैं इतना अच्छा से आप लोगों को सपोर्ट करूंगा कि यानी कि मेरिट में आपका नाम एक नंबर पे आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग उसके लिए वीडियो को शेयर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों को बता दूं जाते जाते यानी कि जितना यानी कि टेक्निकल का यानी कि चैप्टर है, चाहे पावर सिस्टम का हो, ठीक है, या मशीन का हो, उसको भूलना नहीं यानी कि पढ़ना नहीं भूले, और इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जितना है यानी कि सारा पढ़िए, उसी से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और जो बाहर आएगा उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारा यानी कि क्वेश्चन आप लोगों के बीच यानी कि लेके आऊंगा। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।